खबर अंबिकापुर से है, जहां पर पटवारी द्वारा अवैध धान जब्त कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सरगुजा जिले के एक किसान अवैध धान खपाने की नीयत से सहकारी समिति धान मंडी सुखरी में पहुंचा था, जहां पर पटवारी के द्वारा धान को जब्त कर लिया। वहीं पिकअप वाहन में भरे धान के बारे में पटवारी और समिति प्रबंधक ने किसान और ड्राइवर से पूछताछ की, जिस पर धान को जब्त कर लिया गया है। समिति प्रबंधक ने बताया कि चंद्रधारी नमक किसान पहले भी एक टोकन कटा कर लगभग 65 क्विंटल धान दे चुका था और उसके पैसे भी उसके खाते में जा चुके थे। बावजूद कृषक लगभग 27 क्विंटल धान लेकर फिर से मंडी पहुंचा, जहां पटवारी ने कहा कि किसान की इतनी उपज ही नहीं है या अन्य दूसरे जिले सूरजपुर का धान लाकर अपने खाते पर जमा करा रहा है। कल का मामला है, अपना टीम जो है वहाँ पर संयुक्त रूप से सुखरी धान खरीदी केंद्र में गठित किए हैं। उसमें पटवारी आरईओ का टीम गठित है, समिति प्रबंधक भी उसमें शामिल है। उनके द्वारा फ़ोन करके बताया गया कि ईश्वर प्रसाद जो कि एक ड्राइवर है, पिकअप में धान जो है लोड करके कहीं अन्यत्र जगह से लाया था, वो कृषक के यहाँ से नहीं लाया था ऐसा बताया। तो प्रथम दृष्टिया उसको हम जो है जब्ती बना करके उसको अभी समिति प्रबंधक के सुपुर्द उसको कर दिए हैं और जांच की कार्यवाही जारी है। जांच पश्चात आगे क्या जो सूचना है उसको बताया जाएगा। घर का धान रही और यहाँ मंडी में घुसने के बाद उसको जब्ती किया है। वही कहीं है कि बाहर से धान ला के दे रहे हो, लेट में कब लाने वाला, साधन नहीं रहे ना सर जी, साधन साधन नहीं रहने के लिए वजह से लेट हो गया।